बड़ी जवानी चढ़ा तुम पे, हाँ? नींद पूरी कर रहे, ये सारा काम कौन करेगा? चल चलो जल्दी 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 चलो। ये क्या है? ये तुम्हारा गाय है? मगर ये तो इंसानों की तरह चलता है। ये गाय बकरी तो बहुत इज्जत वाला जानवर है। तो फिर ये क्या है? ये वो जानवर है जो हराम है, मुंह से भी नाम नहीं लेते हम तो इसका। चलो जल्दी 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 करो, खाना पकाओ हमारे लिए। आपको खाना देगा? हाँ खाना मिलेगा, जब खाना पक जाएगा तो तुमको भी दे देगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम बोलते? हाँ। हमारा दो बच्चा दोनों गुम हो गए, हमको नहीं मिलता, तुमको पता है वो कहाँ है? एक का नाम दिलावर है और एक का सरदार। ये क्या किया तुमने? सारा टल को गिरा दिया। ए खुदा का रिजक है रिजक, ये तेरा दिमाग किधर रहता है? क्या क्या पगली को गूर गूर के देख रहा है? इसके शक्ल में तुझे तेरा आशिक नजर आ रहा है? हाँ? तुम क्यों मारते है इसको? तुझको तुझको बड़ा तरस आ रहा है सुबह, हाँ? ये तेरे दोनों बेटों को भून के खा गया है। ये डायन है? हाँ ये डायन है, डायन। किसी का जिंदगी खा लिया और किसी का इज्जत। चल डायन है, हमारा बच्चा कहाँ गया? हमको वापस कर दो हमारा बच्चा, हमको वापस कर दो हमारा बच्चा, हमको वापस कर दो। ये कैसे वापस करके देगा? हाँ ये कैसे वापस करेगा? कहाँ से लाए गए तुम्हारे बच्चे? हमने बोला ना ये खा चुका है, उनको खा चुका है। इसको इस हालत पे लाने वाला ये। चलो उठो और नहीं इधर से उठो, चलो हम कह रहे उठो यहाँ से, उठो उठो उठो। बच्चों आप करो गुल मकई अम्मा, इस बेचारी पे तर्क होगा, इसके अपने होश में नहीं है ये। चलो चलो यहाँ से, चल इसको मार दो अम्मा, इसको मार दो अम्मा, चलेगा ये यहाँ से, चलेगा 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 यहाँ से, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जाओ यहाँ से, ये तुमको मार देगा अम्मा, यहाँ से उठ जाओ। चलो तुमको हमारा बच्चा मिले तो हमको वापस कर देना। चलो हम कहते यहाँ से, चलो देखो, चलो चलो। बच्चा 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 बड़ा याद आ रहा है तुमको तुम्हारा बच्चा? हमारा दिला, चलो चलो चलो, हमने उसको मार दिया, चलो यहाँ से दफा, चल 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 यहाँ से चल। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चाची तुम? तबीयत ठीक है? ठीक है हम ठीक है। बहुत दिनों के बाद गाँव आया था, सबको बहुत याद करता है, तो सोचा सबसे मिल लूं, सबके लिए कुछ तोहफे लाया था। ये तुम्हारे लिए सूट का कपड़ा और ये चाचा के लिए। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है चाची, पहली बार गाँव आया था, खाली हाथ कैसे आ सकता था? वो रेशम से मिल लो। Thank you.
ऋषभ हमारी तरफ देख। ये क्या कर रहा है प्रतुषा? ये तुमको क्या हो गया? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम यहाँ से चला जाओ, ये रुख पता नहीं तुम्हारा क्या नुकसान करेगा। तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता। बर्दाप को तुम आती है ना, हमको भी पता है। आपके दुआ करो कि आप जल्दी मरते, हमसे और नहीं होता। हम तुमको अपने साथ ले जाएगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, अपने साथ ले जाएगा। खुदा पर भरोसा करो। कैसा है, किसी ने तुमको देखा नहीं? हमको पता था कि तुम घर में अकेला होगा। सिद्धार्थ खान की अम्मी का इंतकाल हो गया और सब वहीं गए। या अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे, उसकी जिंदगी अजाब हो गया तो सारा कसूर हमारा है। तेरा कोई कसूर नहीं है। गुलबाग ने जुल्म किया था और सब गांव वालों ने उसका साथ दिया, लेकिन वजह तो हम है। तुम भी यहाँ से चला जाओ, हमारा वजह से तुमको पता नहीं क्या नुकसान हो सकता। हमारा किस्मत ही ऐसा, हमको अपना हाल पे छोड़ दो। बिल्कुल शहर की लड़की की तरह लग रहे थे। तुम खुश है? तुम हमारी बात छोड़ो, अभी तो हमें ये सोचना है कि तुमको यहाँ से चुरा के कैसे लेके जाएगा। तुम एक अकेली लड़की, सबका सामना कैसे करे? तुमको हम पे इतबार नहीं है। सिर्फ तुम्हें पे तो एतबार है, हमारा दिल बहुत बैठ गया। सारा गांव वाला हमसे नफरत करता है, मर भी जाएगा ना तो हम पे लानत भेजेगा। तो हम हमको कुल पढ़ के बख्श देंगे, हमारे कब्र पे तो आएगा ना। तो चुप कर, जिंदगी और सिर्फ खुदा के हाथ में होता है। हमको मौत का सजा मिल चुका, हमको मार देंगे। सुना नहीं, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा करीब होता है। तू खुदा पर भरोसा रख। तुमको मिलकर बहुत सुकून है, अब हम इतना नाम से मर सकते। फिर मरने की बात करता है तुम? तुम नहीं समझता, इस वक्त मौत हमारे लिए कितना जरूरी है। हमको चेहना है, तुमको जीना पड़ेगा। सरदाब के बगैर हम क्या जिएगा? तुम यहाँ से चलना जो परवशा, गुलबाज खान बहुत शकी, अगर तुम उसको वहां नजर नहीं आया तो सीधा यहाँ पे आएगा। जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ, जाओ ना। अभी हम जाता है मगर दोबारा आएगा। चलो चलो जाओ। खुदा तुम्हारा, खुदा पंदा। बुरा खबर है, परसों सुबह रेशम को संसार किया जाएगा। नहीं बलबशा, ये नहीं हो सकता। सब इंतजाम हो चुके हैं, पत्थर भी जमा किए जा चुके हैं। हम सोच रहा है। क्या सोच रहा है? हम क्या सोचेंगे, यही सोचेगा कि रेशम को वहां से कैसे निकाले।
तुम कल जा रहा है। ये तुम क्या कहते हैं, तुम कल जा रहा? बाबा यही चाहता है कि हम कल चला जाए। बलवशा एक दिन तो और रुक जा, हमारा और रेशम का मरने पर कोई तुम्हारे अलावा रोएगा भी नहीं। हमारी लाशों पर तो कोई आंसू भी ना निकाले। तुमको मरने का बहुत शौक है, अभी तो रेशम को पता भी नहीं है कि तुम जिंदा है। अगर तुमको तो पता है ना, फिर ऐसा बात क्यों करता है? हम तो सिर्फ ये कहता है, जिंदगी हो या मौत, हमको रेशम के साथ कबूल है। तो फिर मायूसी की बातें छोड़ और जिंदगी गुजारने के बारे में सोच। हम दोनों को मिलकर इसको बचाना होगा। रेशम, रेशम, रेशम हमारी बात सुन, बहुत जरूरी बात है। वो सरताप है ना, वो जिंदा है। सरताप जो नाम मत ले उसका, हमारी बात सुन। वो आलमदेव है ना, हमको लेने आया है। हम जा रहा है, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुमने हमको ये खबर देकर जिंदा कर दिया। अगर सरताप खान जिंदा है तो फिर हम जिंदा रहेगा। तुमको जिंदा रहना पड़ेगा, वो तुमको उसी जगह मिलेगा जहाँ तुम लोग मिला करते थे। उनको कोशिश करके यहाँ से भागना होगा, किसी भी तरह से। ये रख, इसको छुपा ले, इसमें हमारा पता है। ठीक है, मैं बहुत ख्याल रखना। वो तुमको उसी जगह मिलेगा जहां तुम लोग मिला करते थे। क्या? ये कैसा बात किया तुमने? इतना भी एतबार नहीं? ऐसा बात नहीं है। फिर कैसा बात? हम गंदा हो गया है, हम तुम्हारे काबिल नहीं रहा, पास नहीं हो हमारा किनारा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सरताप खान को कभी तुमसे कहना है? गुलबाज खान ने मेरे साथ, बस अभी हमारे दिमाग में कोई ताकत नहीं है और बात सुनने की। हमें ये पता है, हमें बहुत दूर जाना, चलो। तुम हमारा बात नहीं समझना, गुलबाज खान ने मेरे साथ। अभी हम कुछ नहीं सुन सकता, सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना, चलो। लेकिन हम एक लफ्ज और मत, एक लफ्ज न, खुदा कसम अपने हाथ से मारेगा। अभी चलो।
रेशमी, हमारा जिंदगी तुम पर ही शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। तुम्हारा जरा सा भी परेशानी ना हमारे लिए अजाब बन जाता। हमारा सोच अगर हमारे अख्तियार में होता तो हम कभी खुद को दुखी ना करते, ना तुमको दुख देते। लेकिन जिंदगी ने हमको जो कुछ दिया वो बहुत खौफनाक दिया, और जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल जिंदा रहने से उठ जाता है। जानता है ऐसा होता, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना ताकि जब हम रोए तो तुम चुप कर रहे, और जब तुम रोए तो हम। रेशमी, 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 क्या बात, क्या हुआ रेशमी, 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 हुआ क्या है? हम रक्षा लेकर आते हैं। नहीं, इसका जरूरत नहीं है। रेशमी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमने कुछ गलत खा लिया। हाँ तो ठीक है, अभी डॉक्टर के पास चलो। आपको क्या पता कहाँ जाना है, बाजी आएगा तो हमको ले जाएगा। बताओ क्या हुआ, तुमने इतना दिन क्यों लगाया? पहले हमको भी मना किया, फिर तुमने खुद भी फोन नहीं किया। तुम इसके लिए रो रहे हो? हमने तुमको बताया तो था ना, आलम से हम पे शक करता है, वो समझते हमने तुमको कहीं छुपा के रखा हुआ है। अभी तक उसको कोई सबूत तो नहीं मिला, मगर फिर भी हमारा फोन चेक करता है, हम इसलिए तुमको फोन नहीं करता। वैसे भी हम तेरा ही तो काम कर रहा था, हम तुमको ये बताने आया था कि कल सुबह वकील आ जाएगा और फिर परसों। क्या हुआ मुझे बताओ, बताओ मुझे क्या हुआ? हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। मुश्किल है, सारा बाजी हमको अस्पताल में ले लेके फिर रहा है, लेकिन सब कहते हैं कि जहर पहन चुका है। जरदाब क्या कहता है? कभी कभी वो तसल्ली देता है, लेकिन फिर कभी वो इतना गुस्सा करता है, जैसे कि हमने खुद ही शाम को बोला कि हमको डस ले। कुछ नहीं होता, हिम्मत कर, हम हैं ना सब तेरे साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे।